वेलकम बैक टू अदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इंस्टाग्राम का पेज कैसे बना सकते हो। यस, प्रोफाइल आपकी ऑलरेडी है, बहुत से लोग प्रोफाइल से पेज बना लेते हैं, ये सबसे बढ़िया है तरीका है इंस्टाग्राम का पेज बनाने का। अगर आपको अलग से कोई डेडिकेटेड पेज बनाना है, जैसे कोई मीम पेज बनाना है या फिर कोई शेयर पेज बनाना है या फिर और कोई बनाना है, तो आप बहुत आराम से बना सकते हो। राइट, इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर देखना है, बिना स्किप किए करें स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राज, चैनल का नाम है अपकमिंग वर्ल्ड। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन, और वीडियो पसंद आए वीडियो को यस लाइक जरूर कर देना, शेयर को भी कर दो सब्सक्राइब। जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि आप एक इंस्टाग्राम का पेज कैसे बना सकते हैं। उसके लिए आपको लेके चलता हूँ अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन दिख रही होगी। हम इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन पे चल लेते हैं क्योंकि इंस्टाग्राम का पेज बनाना है। यहाँ से मेरी दो प्रोफाइल है, एक अपकमिंग वर्ल्ड 23, या तो मैं इसका पेज बना सकता हूँ या फिर राज चौधरी, ये मैंने नया अकाउंट बनाया है, मैं इसी का ही आपको पेज बना के दिखा देता हूँ। प्रोफाइल से पेज बनाना बहुत आसान है एंड यही मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप अपने अकाउंट का एक पेज बनाना चाहते हैं, कि आप अपने अकाउंट को पब्लिक करना चाहते हो या फिर आप बिजनेस अकाउंट बनाना चाहते हो अपने अकाउंट को, या फिर आप चाहते हो उसका एक क्रिएटर अकाउंट बनाना। यही होता है पेज, और तो कुछ नहीं होता। बिजनेस अकाउंट बना देंगे तो वो एक पेज बन गया एक तरह से, अगर हम उसे प्रोफाइल को क्रिएटर बना देंगे तो भी वो एक पेज हो गया है, लेकिन पब्लिक है, चीजें पब्लिक हो जाएंगी। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, अब ये देखिए एक प्रोफाइल है, बहुत सिंपल सी है, ये अभी प्राइवेट प्रोफाइल है। राइट, हमें इसे पेज बनाना है, तो अब क्या करना है, आपको राइट बॉटम में आपकी प्रोफाइल का आइकन दिखेगा, आपको इस पर टैप करना है। एंड उसके बाद आपको टैप करना है आपके जो राइट टॉप कॉर्नर पे 3 लाइन है इस पर। जैसे ही आप इस पर टैप करोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा सेटिंग्स का, सेटिंग्स में आ जाओ। यहाँ से आपको जाना है अकाउंट्स में। राइट, अकाउंट पे हम लोग चले जाते हैं, नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाता है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट और एड अ न्यू प्रोफेशनल अकाउंट। हमें स्विच करना है टू अ प्रोफेशनल अकाउंट, हमें इस पेज को, यानी कि इस अकाउंट को हमें एक पेज बना देना है, एक पब्लिक प्रोफाइल बना देनी, एक प्रोफेशनल अकाउंट बना देना है। जो पेज होते हैं वो प्रोफेशनल अकाउंट ही होते हैं। राइट, तो हम यहाँ से स्विच कर लेते हैं प्रोफेशनल अकाउंट, गेट अ प्रोफेशनल टूल, वही हमें पेज पे यही सारे टूल्स मिलते हैं। ओके, हम ऐसे करके यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब हमें पेज किस तरह का बनाना है, हमें एक आर्टिस्ट का पेज बनाना है, हमें एक बैंड का पेज बनाना है, ब्लॉगर का पेज बनाना है, कम्युनिटी का, डिजिटल क्रिएटर का, एडिटर का, राइटर का, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, एक रेस्टोरेंट का पेज बनाना है, एक फोटोग्राफर का, एक वीडियो क्रिएटर का। मैं एक वीडियो क्रिएटर हूं तो मैं यहां पे वीडियो क्रिएटर का एक पेज बना लेता हूं और इस पे कर देता हूं ओके। एंड यहां पे डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल का ऑप्शन मिल गया है, यानी कि आपकी जो प्रोफाइल पे वीडियो क्रिएटर दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए। जैसे आप अपनी प्रोफाइल ऊपर दिखती है तो वहां पे बायो में आपको डिजिटल क्रिएटर, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आ जाएगा अगर आप यहां से इसे ऑन कर देते हो। टर्न ऑन कर दिया, मुझे वहां पे दिख जाएगा, यहां से हम इसे कर देते हैं डन। ओके, 30 सेकेंड लगेंगे, वैसे उससे पहले ही हो जाता है इसे एक पब्लिक प्रोफाइल या एक पब्लिक पेज बनने में। ओके, इसे होने दीजिए, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमें ऑप्शन मिल गया है आर यू अ क्रिएटर और अ बिजनेस। अब हमें एक पेज बनाना है तो डेफिनेटली हम लोग बिजनेस पेज बनाएंगे या फिर एक क्रिएटर पेज बनाएंगे। तो बिजनेस बनाना चाहते हो तो आप बिजनेस पे टैप कर दो, क्रिएटर बनाना चाहते हो क्रिएटर पे टैप कर दो। हमें बिजनेस पेज बनाना है, हम कर देते हैं ओके। क्रिएटर बनाना तो आप क्रिएटर पे टैप करना, बाकी सारे प्रोसेस सेम ही है। यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाते हैं सारे, आपका बिजनेस ईमेल, आपका ये कॉन्टैक्ट नंबर, अभी हमें अपना कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं यूज़ करनी है तो यहाँ से। एंड यहाँ पे नीचे भी आपको एक ऑप्शन दिख रहा है डिस्प्ले कॉन्टैक्ट इन्फो, अगर इस आप इसे टर्न ऑन कर दे तो आपकी बायो में आपका नंबर और ईमेल आईडी वो भी दिखने स्टार्ट हो जाएगी। हम इसे टर्न ऑफ ही रखते हैं, यहाँ से डोंट यूज़ माई कॉन्टैक्ट इन्फो के लिए टैप कर देते हैं। एंड यहाँ से अगर चाहते हो कि आपका जो ये पेज है वो आपके फेसबुक आईडी से भी कनेक्ट हो जाए तो यहाँ से आप उसे लॉग इनटू फेसबुक कर देना, अदरवाइज यहाँ से आप कर देना स्किप, मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ। एंड यहाँ से हमारा जो सेटअप है, वो जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आप इन्हें करना चाहते हो कि आप किसी को फॉलो करोगे, ये मतलब कुछ स्टेप्स हैं जो 5 स्टेप्स होते हैं, कंप्लीट योर प्रोफाइल, यानी कि कुछ डिटेल्स आपको ऐड करनी है, आपकी बायो में आपको आपकी कोई प्रोफाइल का लिंक डालना है या फिर आपकी वेबसाइट का लिंक डालना है, आपकी दुकान का लिंक डालना है, वो कर सकते हो। गेट इंस्पायर्ड, यानी कि आपको कुछ लोगों को फॉलो करना है, ग्रो योर ऑडियंस, यहाँ पे कुछ लोगों को इन्वाइट करना है, शेयर कॉन्टैक्ट एंड व्यू इनसाइट्स, अभी के लिए हम इसे कर देते हैं कट, हमें नहीं देखना। अब आप यहां पे देख सकते हो ये एक पेज बन के रेडी हो गया। यहां पे आपको टूल्स मिल जाते हैं, ऐड टूल्स का मतलब है अगर आप कुछ कोई वीडियो डालते हो, कोई रील डालते हो या फिर आप कोई फोटो डालते हो, आप उसे बूस्ट कर सकते हो, आप उसे और लोगों तक भेज सकते हो पैसा लगा के, थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ता है, बट यहाँ पे बूस्ट योर टॉप पोस्ट। एंड यहाँ पे आपको इनसाइट्स का ऑप्शन मिल जाता है, इनसाइट्स में ये होता है कि आपको ये दिख जाएगा कि भाई आपने जो पोस्ट डाला है वो कितने लोगों ने देखा है,
कहाँ कहाँ देखा है, किस किस सिटी में देखा है, किस किस एज के लोगों ने देखा है, और आप जिनको दिखाना चाहते हो उन्होंने देखा है कि नहीं देखा है, ये भी पता लग जाएगा। कि अगर आप बूस्ट करते हो तो आप एक टारगेटेड ऑडियंस भी रख सकते हो, भाई मुझे सिर्फ इन इन लोगों को दिखाना है ना, आप उनको दिखा सकते हो। यही एक सिंपल सा तरीका है पेज बनाने का। वैसे पेज रेडी हो गया है, अब आपको यहाँ पे बस अपना कॉन्टेंट डालना है, प्लस पे टैप करो, आपको रील डालनी है, रील पोस्ट डालनी, पोस्ट मतलब बाकी सब इंस्टाग्राम की तरह ही चलेगा। यही एक तरीका है एंड ये मैंने सबसे आसान तरीका बताया आपको एक पेज क्रिएट करने का, एंड अब आपको पता चल गया होगा कैसे करना है। आप मीम पेज बनाना चाहते हो तो यहाँ पे मीम पोस्ट करना स्टार्ट कर दो। अगर आप यहाँ पे कोई क्रिएटर पेज बनाना चाहते हो, बॉडी बिल्डिंग का पेज बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप बॉडी बिल्डिंग के वीडियो या फिर फोटोज पोस्ट करना स्टार्ट कर दो। आप किसी शॉप का बनाना चाहते हो तो यहाँ पे शॉप की चीज़ें डालना स्टार्ट कर दो। यही सिंपल सा तरीका है एंड आई होप आपको पता चल गया कैसे करना है। अनुसी के साथ साथ आई होप आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। इफ यस, गिव इट अ थम्स अप एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।